This video is sponsored by Pixtoons Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। अय्यर ने पाकिस्तान को दी मेरी सुपारी, कहा मोदी को रास्ते से हटा दो। गुजरात विधानसभा के पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले शुरू हुई नीच शब्द की राजनीति ने अब बवंडर का रूप ले लिया है। कांग्रेस ने बेशक अय्यर को निलंबित कर खुद को गांधीवादी बताया है, लेकिन ये मुद्दा इतनी आसानी से खत्म होता नहीं दिख रहा है। गुजरात के भाभर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला, ये लोग मुझे नीच बोलते हैं। मोदी ने अय्यर के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पढ़े लिखे लोग मुझे नीच नाम से बुलाते हैं, यही कांग्रेस की मानसिकता है। आने वाले समय में वो अपनी भाषा के लिए जाने जाएंगे और हम अपने काम के लिए। कांग्रेस को गुजरात की जनता मतदान के लिए जवाब देगी। मेरी सुपारी देने पाक गए थे अय्यर। पीएम मोदी ने अय्यर को घेरते हुए कहा कि जब मैं पीएम बना तब मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे, ये वहाँ आ चर्चा करने गए थे कि अब मोदी आ गया है, अगर ये जल्द ही नहीं हटा तो भारत पाकिस्तान के संबंध नहीं सुधर पाएंगे। पाकिस्तान जाकर इन्होंने मोदी को रास्ते से हटाने की बात कह दी थी। क्या तुम पाकिस्तान मेरे नाम की सुपारी देने गए थे? लेकिन मेरी गलती क्या है? मेरे इस साथ ये गुजरात की जनता है, मुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप मुसीबत में थे और कांग्रेसी मौज कर रहे थे। भाभर के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब इस इलाके में बाढ़ आई थी तो कांग्रेस के विधायक बेंगलुरु में मौज कर रहे थे, स्विमिंग पूल में डुबकियां लगा रहे थे, लेकिन बीजेपी के सीएम और नेता लोगों की मदद करने में लगे थे। जो आपके दुख में साथ नहीं दिया, क्या आप उसे माफ़ करेंगे? कांग्रेस को सिर्फ सत्ता से प्यार है। क्या कहा था मणिशंकर अय्यर ने? गुरुवार को मणिशंकर अय्यर पीएम मोदी के राहुल गांधी को लेकर दिए गए औरंगजेब वाले बयान पर पलटवार कर रहे थे। अय्यर ने कहा, जो अंबेडकर जी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी उसे साकार करने में एक व्यक्ति सबसे बड़ा योगदान था, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। अब इस परिवार के बारे में ऐसी गंदी बातें करें, वो भी ऐसे मौके पर जब अंबेडकर जी की याद में बहुत बड़ी इमारत का उद्घाटन किया गया है। मुझे लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है? इस बयान के बाद राजनीति में उफान आ गया। खुद पीएम मोदी ने पलटवार किया तो राहुल गांधी ने अय्यर से माफ़ी मांगने को कहा। इसके बाद देर रात कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अय्यर को कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्य से निलंबित कर दिया गया। धन्यवाद।